देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आखिर वजह क्या है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, स्वागत है पंजाब नेशनल ग्रुप में आपका। जी नमस्कार। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पीछे बहुत प्राइसेस पेट्रोल और डीजल की डाउन हुई थी, और कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो गया था कि जैसे फ्री में आप ले लें, अगर आप उसको उठा लें डीजल को और पेट्रोल को, तो कोई प्राइस नहीं देनी पड़ेगी, ये स्थिति तक आ गई थी। उस समय भारत सरकार ने वो बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया पब्लिक को, और अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया, जिसके कारण से पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट हिंदुस्तान के अंदर कम नहीं हुए। एक जी कॉमन पॉलिसी कंपनीज के लिए बना दी कि आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइस तय करें, परंतु जिस दौरान इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस बहुत बुरी तरीके से स्लैश हुई, उस समय वो बेनिफिट जनता को देने के बजाय सरकार ने अपने पास रखा। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी प्राइस बढ़ रही है, तो वो भारत सरकार को वो जो एक्साइज एक्स्ट्रा लगाई थी वो विड्रॉ कर लेनी चाहिए। इसका तभी रेट ठीक लेवल पे आएंगे, अन्यथा ये प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। सर, दिल्ली के अंदर हालात थोड़े बुरे हैं। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में रेट हाई है, और दिल्ली में आप लोगों की सरकार है। क्या आपसे भी कुछ उम्मीद लगाएं दिल्ली के लोग, आप लोग कुछ रियायत देने वाले हैं? देखिए, डीजल इस देश में बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार जो डीजल है पेट्रोल से महंगा हो गया। मतलब ये हुआ कि ट्रैक्टर के लिए या खेत में चलने वाले इंजन के लिए किसान को डीजल खरीदना पड़ेगा लग्जरी मस्दी और जगुआर जैसी कारों में डलने वाले पेट्रोल से महंगा। ये भारत सरकार को इस विषय पे सोचना भी चाहिए, और दिल्ली सरकार भी निश्चित तौर पे जब भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, तो नेचुरल है कि उसका वैट का इफेक्ट यहाँ पर आएगा और वैट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय तो आप लोगों पर सवाल उठा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि आपने वैट के दाम बढ़ाए। 30 मई से पहले जो वैट था वो कम था, लेकिन उसके बाद आपने 30% का इजाफा किया है। दिल्ली सरकार अपने खजाने को भरना चाहती है और इसकी मार लोगों पर डाल रही है। देखिए, दिल्ली सरकार का पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे बहुत कोई ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली सरकार का जो वैट है, वैट दिल्ली सरकार का पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। दिल्ली सरकार को वैट कम ज्यादा नहीं किया, परंतु भारत सरकार ने अपने एक्साइज, जब पेट्रोल के रेट बहुत ज्यादा हुए, डीजल के रेट बहुत ज्यादा कम हुए, उस समय भारत सरकार ने अपने एक्साइज इस पे बढ़ा दी थी, जो इस समय कम होनी चाहिए। और भारत सरकार को इस विषय पे सोचना भी चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था वैसे ही टूट चुकी है, लोग कोरोना की बीमारी से लड़ते हुए व्यापार बंद हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, दुकानें बंद है, इंडस्ट्री बंद है, लेबर माइग्रेशन कर गई है। तो ऐसे के अंदर अगर सरकार अपना मुनाफे की तरफ ध्यान देती रहेगी और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश के अंदर, आप समझिए, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुशील जी, आप मना कर रहे हैं कि आपने कोई टैक्स नहीं, वैट नहीं बढ़ाना है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय बकायदा आंकड़े देकर कह रहा है। बीजेपी भी कह रही है कि पहले 30 मई तक 16.75% था वैट, लेकिन उसके बाद बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के बीच में आपने चुपके से वैट बढ़ा दिया। नहीं, लॉकडाउन के दौरान मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु ये बात सही है कि लॉकडाउन से काफी पहले ही भारत सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, उस एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस नहीं किया। क्या आप लोग कोई रियायत देने वाले हैं दिल्ली सरकार से? दिल्ली के लोग उम्मीद लगाएं, आप अपने हिस्से का कुछ वैट कम करेंगे? देखिए, भारत सरकार जब एक्साइज कम करेगी, दिल्ली के हिस्से का वैट तो अपने आप कम हो जाएगा। दिल्ली दिल्ली सरकार को उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भारत सरकार अपने जो प्राइसेस जब घटाती है, तो वैट तो अपने आप उसमें कम हो जाएगा। चलिए, केंद्र और दिल्ली के बीच इन दाम्स को लेकर खींचतान है, और आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि अगर केंद्र सरकार अपने टैक्सेस कम करती है तो निश्चित तौर पर दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को पेट्रोल और डीजल के दाम कम रेट पर मिलेंगे। सुशील जी, जी आपका धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी मेहरबानी।